मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। दक्षिण के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर भी दर्ज हो रहा है। आलम यह है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जगह जगह जल भराव हो गया है। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के 30 दिसंबर से उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत को प्रभावित करने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की माने तो 30 नवंबर की रात से एक ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलेगा। यानी इन राज्यों के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। IMD के मुताबिक दिसंबर की शुरुआत में गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 2 दिसंबर को बारिश के साथ बर्फबारी होगी। वहीं दक्षिण में स्थित तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होगी। इसके साथ अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में काफी भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। IMD ने बताया है कि 30 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 दिसंबर तक बारिश के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।